मेरा नाम सनमीत है, मैं पंजाब से हूँ। मेरी गवाही यह है कि जब मैं छोटा था तो सबसे पहले तो मैं बहुत बीमार रहता था, मेरी सांस रुक जाती थी, तो साल में 6-7 महीने हॉस्पिटल में रहता था। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ तभी प्रॉब्लम और बढ़ती गई। जब 13 साल से ऊपर हुआ तो मुझे सपने आते थे, नींद नहीं आती थी, बहुत गंदे सपने भी आते थे। तो अपनी लाइफ से बहुत परेशान था, नफरत करने लग पड़ा था अपने आप से। तो पापा थे, उनमें भी बहुत सपने आते थे, शैतान उन्हें सपने दिखाता था पहले भी, मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगा, तेरा एक्सीडेंट करूंगा। 2 बार एक्सीडेंट किया और हॉस्पिटल में उन्हें लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनकी टांगें चल नहीं सकती। तो बाद में ना ही कोई पैसा था, बहुत गरीबी थी घर में, कभी कभी तो मौसी से पैसे उठाकर स्कूल की फीस हमारी देती थी। तो मेरा एक छोटा भाई था पहले, वो छोटा ही था तो उसकी भी डेथ हो गई थी, वो भी ऐसे ही सपनों के द्वारा पता चला कि शैतान ने किया ख़त्म उसे। तो तब से ही मम्मा पापा बाबा लोगों के पास जाने लग पड़े, सियानों के पास। तो वो मॉम बहुत खेलते थे वहाँ, जब मैं छोटा ही था तब से ही मुझे भी साथ में ले जाते थे तो मैं देखता था। तो अपनी मॉम से मुझे डर लगने लग पड़ा था जब वो खेलती थी। तो काफ़ी पहाड़ों पर भी गए, काफ़ी जगह जब वहाँ खेलती थी तो शैतान आता था, वो सर घुमाते थे तो बोलते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, इन सभी घर के लोगों को नाश कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मुझे भी अंदर से आवाज़ आती थी शैतान की कि बो रहा है मुझे, मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा, तुम्हें पागल कर दूंगा, तुम्हें नाश कर दूंगा। तो बहुत प्रॉब्लम थी। बाद में हमें यीशु मसीह के बारे में पता चला एक पास्टर के द्वारा, तो उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। पहले तो हमें कोई जाना नहीं थी कि इस रास्ते पे जाएंगे, क्या है ये क्या नहीं, हम तो सोचते थे इस भूत से छुटकारा हो जाएगा तो हम फिर अपने धर्म को मानने लगेंगे। पर जब जब हमें बाइबल पढ़ी, पापा को पवित्र आत्मा मिला, मम्मा को मिला, बहन को मिला, तो धीरे धीरे सभी विश्वास में आने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, शांति आने लगी दिल में, तो सब कुछ अच्छा चलने लग पड़ा था, सपने भी ख़त्म हो गए थे, हमें अपनी लाइफ अच्छी लगने लग पड़ी थी। तो ज़िंदगी बहुत खुश हो गई थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सपने जो पहले देखे थे, पहले तो यकीन ही नहीं होता था कि कभी ये पूरे भी होंगे, सोचता था मर ही जाऊँ इस लाइफ से जो जी रहा था पहले, नर्क से भी बड़ी खतरनाक लग रही थी वो, मगर अब जीने को दिल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह में जब से आए हैं। तो अभी मुझे भी पवित्र आत्मा मिल गया है, तो प्रभु की सेवा करने का बहुत दिल करता है, कर भी रहे हैं।